प्रभु इतने चुनाव देखे हैं, 70 के दशक से आप ट्रैक कर रहे हैं चुनावों को, 50 बरस होने को आए, यह चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है? हर चुनाव का एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है कि भाई इस बात पर इस बार चुनाव हो रहा है, वो कुछ समझ में आ रहा है आपके? तो संदीप, मैंने देखा आपने जो कहा, आपने चुनाव की इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और उसकी रिलीजन, ये सब कवर कर लिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे एंगल्स को कवर कर लिया। उसके अंदर मेरे से सवाल करना है कि किस तरफ जा रहा है चुनाव, आपने खुद ही कह दिया। दूसरा सवाल जो आपका है, पहला तो आपने कहा कि सब तरफ शोर, दूसरी तरफ कहा कि मोदी जो है चुनाव उसी तरफ जा रहा है, कि मोदी जी खुद भी अगर आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों में वो अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं, हर चीज़ मोदी ने की, मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है, मोदी को कहते हैं हटाओ, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं मोदी को हटाओ, तो मोदी अपने ऊपर चुनाव को लाकर खड़ा कर देते हैं। उनको लगता है कि उनके पोस्टर जो हैं, उनके जो ओपिनियन मेकर उनको इनपुट देते हैं, उन्हें शायद ये समझा दिया है कि आप इसी के ऊपर रखिए, ताकि जब सड़क पर भी पत्रकार जाता है कि आप मोदी को वोट देंगे। मैं पिछले कई दिनों से टीवी देख रहा हूँ, हर पत्रकार यही सवाल पूछ रहा है कि मोदी को वोट देंगे, ये नहीं पूछते भाजपा को वोट देंगे। जब नैरेटिव सेट कर दिया कि उन्होंने कि मोदी को ही पत्रकार सवाल बनाएंगे, भाजपा को नहीं बनाएंगे, दूसरा भाई इंडिया पूछते हैं आप, वहाँ राहुल गांधी के बारे में पूछता नहीं है कोई, या किसी और लोकल नेता के बारे में नहीं पूछता। तो जो मोदी वर्सेस रेस्ट जो एक नैरेटिव बन गया है, ये 1977 में हुआ था कि इंदिरा हटाओ, उससे पहले किया था, इंदिरा कहती थी 71 के अंदर, इंदिरा वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ महंगाई हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। इस बार मोदी जी ने उल्टा वही नारा रिपीट कर दिया, वो कहते हैं भ्रष्टाचार मोदी हटाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारी हटाओ। तो ये एक नैरेटिव बनता चला जा रहा है कि पर्सनैलिटी के ऊपर कर दीजिए, ताकि उस तरफ दूसरी तरफ टूटी हुई पर्सनैलिटी बिखरा हुआ चला। जैसे वो एक हुआ था 1980 के अंदर नारा, वोट फॉर द गवर्नमेंट दैट वर्क्स, मिसेस गांधी का एक बहुत अच्छा उन्होंने जो वहाँ की एडजेंसी उन्होंने निकाला था, क्योंकि जो भी चरण सिंह की सरकार थी या मुजाहिद की सरकार थी वो काम बिल्कुल नहीं करती थी। तो पॉजिटिव नारा था उस वक्त जनता सरकार के खिलाफ। इस वक्त नेगेटिव नारा जो चल रहा है, जब भी चुनाव होता है नेगेटिव नारा तब काम करता है जब उस सरकार के खिलाफ कोई आपको वेव दिखाई देती हो। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सरकार, मोदी सरकार 10 साल रहने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े लेवल पर दिखाई दे नहीं रही है, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ हुई थी। अब देखिए वाजपेयी जी हार गए, तब एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वाजपेयी जी इसलिए हार गए कि अर्थमेटिक जो था, कास्ट कॉम्बिनेशन जो था, वो बन नहीं रहा था। तो इस बार परिवर्तन सिर्फ यही हुआ तीसरे टर्म के अंदर कि मोदी जी को आखिर में आकर लिखा कि मेरे को NDA 2 बनाना पड़ेगा, उसमें राजभर की पार्टी हो या मांझी साहब हो या कोई और हो, छोटी छोटी जो जाति की पार्टियां हैं या AIDM के हो, उनको साथ लेकर के वहां की जो बाकी छोटी छोटी पार्टियों के वोट हैं, 2% हैं, 3% हैं, 5% हैं, उनको इकट्ठा करके, केरला के अंदर की भी उन्होंने कोशिश की। तो मोदी जी को लग रहा है कि जब तक अपने दम पर BJP नहीं जी सकती, खाली मेरे दम पर भी 330 तक आएगी, अगर 10% भी की इनकम हुई तो मेजोरिटी से नीचे आ सकते हैं। तो नारा वही है कि मोदी वर्सेस द रेस्ट। ये बड़ी दिलचस्प बात कही प्रभु, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ताल ठोकी बाकायदा लोकसभा में, एक अकेला सब पर भारी, और जो आपने अभी जिक्र किया वो एनडीए का कुनबा, यकायक अब उसका विस्तार होने लगा। जब इंडिया बना था तो 38, वो 38 में 7-8 और जुड़ चुके हैं, वो 45 से ऊपर जो चली गई। तो अगर मोदी सेंट्रिक ये सोची समझी रणनीति है कि मोदी सेंट्रिक चुनाव बनाना है, तो इतने सहयोगियों की, घटकों की दरकार क्यों हो गई? इसलिए मैंने कहा कॉस्ट बेसिस पे जो भी है साउथ के अंदर का एक्सपेंशन 370, जब आप बात करते हैं टीवी चैनल भी 370, कभी भी किसी भी चैनल के अंदर मैंने डिस्कशन नहीं देखा कि BJP के इतने मंत्री आते हैं, उनसे पूछा कभी चार्ट रख करके 370 गिना तो दीजिए, हमारे कहाँ से आएंगी, टोटल तो करिए, कोई टोटल करने के लिए पूछता नहीं, उनने कह दिया 370, अब आपने मान लिया 370, उसके ऊपर चल दिया, अब की बार 400 पार, यानी कि 75% सीटें आपको जीतनी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकती, मेजोरिटी आ सकती है, 303 पहली बार भी आई थी। अब सवाल ये है कि 330 रोकना है, उसके ऊपर कैसे जाना है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मोदी जी हमेशा आंकड़ा सेट करते हैं, 2014 से कहा था कि मैं इतने लोगों के घर बना दूंगा, मैं इतने लोगों के पैसे ला दूंगा, मैं उसके अंदर गैस कैलेंडर दे दूंगा, इतने मकान 80 करोड़ लोगों को मैं खाना दूंगा।
हर नारा उनका नारा जो है संख्या के साथ जुड़ा होता है, चाहे वो 300 पार पिछली बार था, इस बार 400 पार हो गया। तो जैसे आपने कहा कि राजस्थान में 150 पार, वहाँ पर 200 पार, कहीं पर 150 पार, तो एक नारा देते हैं जो कांग्रेस पार्टी या विदेशी बाकी दूसरी पार्टियाँ जो हैं वो नहीं दे रही है। उनकी खूबी यही है कि वो टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करना जानते हैं, और एनडी का एक्सपेंशन इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे साथ पार्टियां आ रही हैं, वो दिखाते हैं कि मेरे को छोड़ा, मैं अनटचेबल नहीं हूँ। वाजपेयी जी को पार्टियाँ छोड़ के चली गई थी, इसलिए एक बड़ा कारण यही भी था कि उनका अरिथमेटिक एडिशनैलिटी वो टूट गई थी, उनकी करिश्मा अच्छा था परंतु इतना नहीं जितना कि पावरफुल जब मोदी जी बोलते हैं। और दूसरी बात देखिए, मोदी जी तीसरी टर्म के अंदर जा रहे हैं, उनको भी तो नई चीज़ कुछ कहनी है, नई चीज़ वो अपने ऊपर ला के खड़ा कर रहे हैं। और वो जो कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करिए, जैसे आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, जो मैंने कहा वो करके दिखाया, उसके ऊपर कोई भी स्क्रूटनी ना हम कर रहे हैं ना कोई और कर रहा है। एक बड़ा मुद्दा होता है या चेहरे के सामने दरअसल मुद्दा गौण हो गया है या गौण करवाने की कोशिश है। हम 2014 और 19 पर ही नजर डालें प्रभु, तो 2014 में एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, आपने कहा अभी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही, इस पहलू को मैं अभी बाद में आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को उठाया। और 2019 आते आते उसमें राष्ट्रवाद जमा जन कल्याणकारी नीतियां, ये दो चीज भी जुड़ गई। पर इस बार सिर्फ मोदी अपने ऊपर पूरा दांव खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल अपने ऊपर, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है ना कि जब तक मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ओपिनियन पोल करते हैं कभी भी कर लीजिए, यार 1980 से मैं ओपिनियन पोल देख रहा हूँ, 1980 इंडिया टुडे में सबसे पहले कर रहा था, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई होती है। राजीव गांधी जब हारे थे, 200 सीटें आई थी, तब इंडिया टुडे के ओपिनियन पोल के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी, सीटें आई 200 उसके बाद। तो अपने ऊपर आने से ये होता है कि नैरेटिव आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं होने देते। मोदी के खिलाफ जो भी पूछेगी, जो भी कहेगा, आएगा तो मोदी, ये नारा बन गया है ना। तो ये कमजोरी जब आप लोगों से इश्यू करते हैं, लोग कहते हैं ये नहीं हुआ, ये देखा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं एक 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 बात, हाँ प्लीज प्लीज जारी रखिए, मैं बता रहा हूँ संदीप, एक लाइन का नहीं है मेरे को सिर्फ। जैसे मैं आज देख रहा था सुबह भी किसी चैनल के ऊपर, वो इंटरव्यू कर रहे थे किसी जगह जा करके, सब औरतें वहाँ की बोल रही थी, हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं मिलता, हमारे यहाँ राशन 15 किलो की जगह 5 किलो मिलता है। फिर आखिर में जो पूछे वोट किसको देंगे, आएगा तो मोदी ही। सारी नेगेटिव करने के बाद भी मोदी के ऊपर आ करके वो महिलाएँ टिक गई। और दूसरी बात बता रहा हूँ, उस तरह कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, एक यूट्यूबर ने महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी बातें कही कि 60 साल में इतना डीजल नहीं बढ़ा था, जब 10 साल में बढ़ गया, महंगाई के पूरे पूरे की फिगर दे दिए, और 3 घंटे के अंदर 3 लाख लोगों ने उसको देख लिया। एक तो सोशल मीडिया जो है उसका नैरेटिव मेनस्ट्रीम मीडिया से टोटल अलग है। पहले सोशल मीडिया टोटल के टोटल बीजेपी के फेवर में जाता था, आजकल का सोशल मीडिया अगर यूट्यूब से उठाकर देखें, यूट्यूब से ये लगता है कि बीजेपी तो हार रही है। टीवी चैनल लगता है मीडिया से काम नहीं होता ना, वी आर द मैसेंजर्स, हम तो संदेश वाहक ही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।